जब बाबा की सरकार बनी तो सर पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। अच्छा आजकल तो उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बढ़िया है, मैं आया तो इसी ऑडिटोरियम के बाहर कुछ पुलिस के लोग खड़े थे, मैं तो सर उत्तर प्रदेश की पुलिस को जैसे ही घुसता हूँ सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। ये नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है, कहती है चलिए हम आपको स्कॉर्पियो में बैठा कर थाने तक ले जाना चाहते हैं। सुनते ही अपराधी का पूरा खानदान खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं लेकिन ये गाड़ी में बैठकर नहीं जाएंगे। ये जो ख्याति उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पाई है, योगी जी की सरकार बनी पहला काम किया एंटी रोमियो। मैंने चार लाइनें लिखी जी। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पता। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी किस्मत और आंखें दोनों चेक कराओ। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। हाँ मतलब बताओ सर, ऐसी ऐसी लोगों के लिए मुझे अचानक से सुनाने का कहानी याद आ गया जी, कि ये जो देख सीटी बजाते हैं ना ऐसे ही आदमी को देख करके भी सुनिएगा। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए। आप सभी ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। और चार लाइनें सुनिएगा जी, स्वागत। टाइम बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बिना किसी बात के सुना रहा हूं, और आप लोग जितना मतलब प्यार मोहब्बत दे रहे हैं मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। सर मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यह पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर राइट रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों के लिए 4, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ला लेने के लिए मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो लेने के लिए 4, 1 दबाना था गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गए, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, यारी आदमी फंसता नहीं है लेकिन फंस गए। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दवा दे जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, क्या बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बहुत मदद। अब आपको पता लग रहा होगा आफ्ताब भाई इतने दिन से दुबई क्यों नहीं बुलाया आपने। चार लाइन सुनना, मतलब जी क्या कह रहे हो, ये अब मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, 4 लाइन सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा जी। इन 4 लाइनों का विशेष, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मैंने मतलब मैं घबराया हुआ था
और सचमुच दरअसल कवि सम्मेलन और मुशायरे ना जैसे यहाँ पर हैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होने चाहिए। हम जैसे वो भाई साहब कह रहे थे सर कि हमने मुशायरों को अलग कर दिया, कवि सम्मेलन को अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स है, जिस तरह से आप लोगों का प्यार है, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह का प्रोग्राम हो और आप लोग को ही बुला बुला करके ले आ जाए और किसी की जरूरत नहीं। चार लाइन आपको सुनाता हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो सर अद्भुत ही कभी क्लास में जहाँ पर कहा बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो जाए, तुम्हें ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमाया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को हिंदी वाला फिर आ गया और आप तब तक बात पहुंच जाए तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल नई बात आपका भाई। हिंदी वाले फिर आ गए, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा कर गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, वो गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी वो मेरे पिताजी जो है ना उसको आप नहीं जानते, आज तक एक को नहीं लौटाया। चीनी गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू। बाबा जी भी हंस रहे हैं, दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? चीनी को जा, मैं क्या बढ़िया आप लोग सचमुच कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में।